पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पथराव और सिखों के खिलाफ नारेबाजी की घटना पर हर तरफ लोगों में उबाल है। इस दौरान रीता सोढ़ी ने इमरान खान सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि इमरान खान सरकार दोगला खेल खेल रही है। पहले तो पाकिस्तानी सरकार ने करतारपुर के दरवाजे सभी सिखों के लिए खोल दिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ शरारती लोगों द्वारा सिख समुदाय के लोगों पर पथराव किया गया और उनके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। पाकिस्तान सरकार से अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले ने सिख समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे संसार में हर समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अमरजीत सोढ़ी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह लोग इतिहास में जाकर सिखों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां देख लें। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। खबर जगत प्रयागराज से एलन सिंह की रिपोर्ट। लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, पीस ऑफ इंडिया। हम लोग शांति के लिए काम करते हैं और जो भी गलत होता है किसी के साथ उसके अगेंस्ट हम लोग आवाज़ उठाते हैं। हम लोग हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब धर्मों की इज्जत करते हैं, पर जब किसी धर्म के साथ किसी इंसान के साथ गलत होता है तो उसको भी हम लोग नहीं छोड़ते हैं। बस हमारा यही है कि हर इंसान को, हर धर्म को, हर जात को सम्मान मिले। आज पाकिस्तान में जो भी गलत हुआ है, हमारे ननकाना साहब गुरुद्वारे में जो पथरावबाजी हुई है उसका नाम बदलने के लिए बोला गया है, उसके अगेंस्ट हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इस चीज़ को रोका जाए, उसकी आवाज़ उठाई जाए उसके अगेंस्ट में। और जो गद्दार लोग उनका साथ दे रहे हैं पाकिस्तान में जाकर, उनको भी उनका मुँह काला किया जाए। बस यही हमारा कहना है। इमरान खान के साथ वहाँ पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार के बारे में इस संज्ञान में देखना चाहिए कि ऐसा ना हो वहाँ पर। क्या नाम आपका? सैनिक है। हमारे हम लोग इसका कड़ा विरोध